I don't have any words. It's awesome. First time came here, see the beautiful nature. लगे आप जन्नत अगर कहीं है तो यही है वो धन टॉप में पहली बार आई हूँ. इतनी अच्छी बर्फ और इतना अच्छा मौसम तो मिला नहीं हमें कहीं. इस वक्त हम सिंथन टॉप दिखा रहे हैं. काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, खासकर राजस्थान से लोग आए हैं, कोलकाता से आए हैं. दिखाने की ये कोशिश कि सिंथन टॉप पे काफ़ी बर्फ़ है, लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हुए हैं. देखें किस तरीके से मस्ती हो रही है. मैम आपका नाम? तर्जिनी. तर्जिनी आप बताएं, आप कश्मीर आए कब आए और किस तरीके से आप सिंथन टॉप पे पहुंचे और आज जो एंजॉयमेंट हो रही है आपकी, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो इनफैक्ट कश्मीर दूसरी बार आ रही हूँ 10 साल बाद, तो मुझे तो ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड गर्मियों की छुट्टी में इस ठंड का मज़ा लेने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. और सिंथन टॉप मैं पहली बार आई हूँ. इतनी अच्छी बर्फ़ और इतना अच्छा मौसम तो मिला नहीं हमें कहीं. तो लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका कि आप गर्मी की छुट्टियों में ज़रूर कश्मीर आइए, आपको अच्छा मौसम मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी मैगी मिलेगी और अच्छी चाय और कहवा. मैम आपका नाम? मैं जयपुर से उषा जैन, राजस्थान से. सभी भारतीयों को यही कहना चाहूँगी, एक बार यहाँ आए, देखें. स्विट्जरलैंड एंड अलास्का जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत धरती पर स्वर्ग है तो यहीं पे है. इतना सुंदर नज़ारा कभी नहीं देखने को मिलेगा. आप आइए, यहाँ आइए ऑल एंड देखिए कितना सही में, ये बहुत सही जगह है. कभी देखने को नहीं मिलेगा. जो भी व्यक्ति है आए यहाँ, देखें, लुत्फ़ उठाएँ. तो इस वक्त जो टेम्परेचर है आपके वहाँ, जो हमारे वहाँ भी 43 टेम्परेचर है और यहाँ पे जो जीरो में है उसका लुत्फ. दिनेश सर आपका स्वागत है यहाँ सिंथन टॉप पे. तो यहाँ आपने बर्फ की वादी देखी, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये कि अपने इंडिया के अंदर शांत और अमन और चैन से दिख रहे, उतना ही इंडिया भी अमन शांति चैन चाहता है. तो सभी लोग यहाँ आए, देखें, मजे उठाएं. कोई कुछ नहीं, एकदम अमन और शांति है यहाँ. अमन चैन है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है. आराम से लोग जिए, खुश होके जिए, बेफिक्र होके जिए. यहाँ बाहर विदेशों की जो लोगों को चाहत है, विदेश जाना चाहिए, स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, अलास्का जाए, वहाँ जाए, वो कुछ नहीं है, सिर्फ यही है वो सब. आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है. ये स्विट्जरलैंड में भी बिटिया जाके आई, वहाँ भी इतना एक बार नहीं कर. आपका नाम सर? दर्शन जी. दर्शन जी आप कहाँ से बिलोंग है? पंजाब से. पंजाब से सिंथन टॉप पहुँचे, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बार आए? फर्स्ट टाइम. तो कैसा लगा इतनी बर्फ? बहुत अच्छा, बहुत अल्टीमेट लग रहा, बहुत एंजॉय कर रहा. इस वक्त वहाँ का किस तरीके से? बहुत गर्मी पड़ रही है. अच्छा, तो आपके साथ बच्चे भी एंजॉय करने के लिए? क्या नाम? तो यहाँ पर आए तो कैसा लगा आपको सिंथन टॉप? एंजॉय करने के लिए आए, क्या देखा यहाँ पर और क्या आप करने आए हैं, किस तरीके से आपकी यहाँ एक्टिविटी होगी? बोले मैम आपका नाम? और नरेंद्र जी को जी आप बताएं, सिंथन टॉप आए, वो भी आप इस बर्फ की वादी में, तो क्या कहेंगे? इट्स ऑसम प्लेस, बहुत अच्छा. यहाँ पे आके लग रहा है कि आप नेचर के बहुत पास आ गए. मतलब कि एवरीथिंग इज फ्रेश, आपको एयर भी डिफरेंस फील करोगे जब आप ग्राउंड से यहाँ पे आओगे ना, कहीं से भी आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा. क्योंकि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, इट्स ऑसम. तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप जो आने वाले जो लोग हैं? मस्ट कम कम हियर, सी द ब्यूटीफुल नेचर. मतलब आप जन्नत अगर कहीं है तो यही है वो सच है. जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, पुरानी मूवीज में देखा, इट्स अ कश्मीर, तो इट्स रियली वो जन्नत सच में कश्मीर में है. कोई स्विट्जरलैंड बाहर जाके लोग आइस देखने जाते हैं, ये सब देखने जाते हैं, अपनी कंट्री में है तो यहीं पे बहुत अच्छा. थैंक यू मैम, थैंक यू. मैं इस वक्त आपको किश्तवाड़ का
सिंथन टॉप दिखा रहा हूँ। ये दोनों टॉप जो है हमें कश्मीर से मिलाते हैं। सर आपके लिए आज हमने सोचा कि आज हम सिंथन टॉप पे जाके लोगों से पूछेंगे कि किस तरीके से ये वो यहाँ जब बाहर के मुल्कों में गर्मी बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादातर कश्मीर का रुख करते हैं, बर्फ़ की वादियों का रुख करते हैं जहाँ ये मज़ा लेते हैं इस बर्फ़ से, क्योंकि उन इलाकों में बर्फ़ नहीं होती है तो ये तरसते हैं कि हम उस वादी में जाएंगे जहाँ काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होगी और ये वादी देखने के लिए मिले हमें। आज हमारे साथ यहाँ मुंबई से आए हैं मेरे दोस्त, आपका नाम मोनिश। मोनिश सर आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा कश्मीर आके और इस वक्त आप सिंथन टॉप पे हैं तो आप क्या मैसेज रहेगा? बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पे पूरा स्नो में बारिश के उसके साथ चाय पीने में मज़ा ही अलग है, जो बॉम्बे में कभी भी स्नो तो होती नहीं है, तो यही इसी सब चीज़ों में मज़ा आता है। तो इसलिए जिन जिन लोगों को स्नो का एंजॉयमेंट करना चाहिए वो इस टाइम यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ जो आपने एंजॉयमेंट की आप चल रहे हैं इन वादियों में चल रहे हैं तो किस तरीके से आप इन वादियों को देख रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर लगा आपका यहाँ का और क्या जिस तरीके से मैसेज आप दे रहे हैं इस सिंथन टॉप से लोगों के लिए कि वो आएँ देखें इन वादियों, तो क्या आपका यहाँ से पैगाम होगा? बस जब भी वहाँ पे बॉम्बे में समर रहे कश्मीर में आना चाहिए, सिंथन टॉप में आना चाहिए, सिंपल रूल, वहाँ पे समर यहाँ पे स्नो। आज जून का महीना है तो आपके वहाँ कितना टेम्परेचर होगा? हमारे यहाँ कितना 35-36 ऐसा कुछ होता है, 35-36 डिग्री। तो यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? अरे बहुत मज़ेदार लगे एकदम, बहुत फ्रेंडली है, बहुत मज़ा आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई अभी तक। तो ये थे जिन्होंने पूरी तफसील बताई कि जिस तरीके से भारत के दीगर मुल्कों में गर्मी बढ़ जाती है तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन इनका साफ साफ ये कहना है कि कश्मीर का रुख करें, सिंथन टॉप का रुख करें ताकि देखें ये नज़ारा किस तरीके से यहाँ पे जो ये कर रहे हैं गरम गरम चाय और इन वादियों में रहकर किस तरीके से आज हल्की हल्की बारिश भी चल रही है ये और भी इस वादी को खूबसूरत करती है। मैं जुल्फ, मेरा नाम सुनाम सिंह। सर आप कहाँ से बिलोंग? मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब से। पंजाब से सर, ये मैडम अमनदीप कौर जी मेरे वाइफ ने, सिंथन टॉप पे आए हैं, बर्फ का नज़ारे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा? सच में यार अगर जन्नत तो कहीं पे है तो यहाँ सिंथन टॉप में आज इतना खुशी हुई है कुदरत को, इतना फेस टू फेस रूप रूप देख के ना उसको इतना अच्छा लगा ना, रूह खुश हो गई है। तो पहली बार यहाँ पे आए आप? हाँ फर्स्ट टाइम आए। तो लोगों के लिए आप क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जो कश्मीर के बारे में नॉर्थ इंडिया में या साउथ में या कहीं भी अदर स्टेट्स में एक भय है, जो एक डर है कश्मीर के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने इंसानियत पसंद हैं, सभी लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, किसी से भी बोल लो बंदा प्रॉपर हेल्प करता है। बहुत बढ़िया लगा इधर आके, जो हमारे डर था वो निकल गया भी। हाँ कश्मीर है ऐसा होगा, वहाँ पे मिलिटेंट होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सभी को ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इस जन्नत को देखें और अपनी ज़िंदगी में एक हसीन पल को इकट्ठा करें। मेरे को बहुत बढ़िया लगा आज कश्मीर को मिलके और कश्मीरी लोगों से मिलके। ये सिंथन टॉप है, एक तरफ आपका कश्मीर है, दूसरी तरफ हमें किश्तवाड़ मिलता है। तो मैम आपका स्वागत है, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं इस सिंथन टॉप पे, क्योंकि ये जो सिंथन टॉप की एक कहानी है, ये दो टॉप है, हमें किश्तवाड़ से भी मिलाता है, यहाँ से किश्तवाड़ हिमाचल या हम मचेल यात्रा के लिए चले जाए, तो क्या मैसेज रहेगा आपका, आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? मैसेज लोगों के लिए यही रहेगा कि कश्मीर के लिए जो हमारे मन में डर था, कल हम आए थे तो थोड़ा डर लग रहा था यहाँ आने पर, लेकिन अब कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आना, बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू। तो
कैसा लगा आपका यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की नेचुरल, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक काफ़ी क्लियर है लाइक एटमॉस्फेयर वगैरह। एंड मैं तो पहली बार स्नो फॉर लाइक स्नो देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। आइए सर, आइए सर, चाय, मैगी, ऑमलेट, मेरी कवा, कॉफी। पहली बार ये पोल्यूशन नहीं देख रहे हैं बर्फ। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपके पीछे बर्फ से लोग हजारों की तादाद में यहाँ, तो क्या एंजॉयमेंट हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ अभी। तो आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं? मेरी मॉम, डैड, बहन, पूरा परिवार आपके यहाँ आया हुआ है एंजॉयमेंट के लिए। तो क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे आप और अपने भी दोस्तों को, अपने कंट्री के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं कि कश्मीर से सुंदर कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब मैं बोलूँ तो हर एंगल से आप इसकी ब्यूटी मतलब ले सकते हैं। इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर है कि उसकी ब्यूटी वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती आप। बहुत सुंदर, और मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देखी है। इट्स ब्यूटिफुल, आई वुड से लाइक नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। देखें किस तरीके से यहाँ का देसी परांठा, देसी चाय, क्योंकि यह और भी मज़ेदार होती क्योंकि इन पहाड़ों पे तो उतना कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि टेंट लगाकर ये रोज़गार यहाँ पर करते हैं, चाहे वो कश्मीर से यहाँ टेंट लगाने के लिए आते हैं आप, क्योंकि यहाँ तो चाय पीनी, नाश्ता तो हर एक ने करना है, क्योंकि बाहर से सैलानी जो आते हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम रहता है। तो मैं फिर से चाहूँगा, आपका नाम? मोनिशा। हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुड़गांव। तो सिंथन टॉप गुड़गांव तो यहाँ से दूर है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं चाहूँगी और लोग यहाँ पे आए, इसका खूबसूरती देखे, क्योंकि मैंने भी पहली बार स्नो देखे, मेरा बहुत मन था क्योंकि मैं स्नो देखूँ, और यहाँ पे आके बहुत सुंदर जगह है, तो और लोग आए, उनको यू नो सब लोग डिजर्व करते हैं व्यू देखने के लिए। सर कुछ मैसेज लास्ट पे आपका? कश्मीर से सुंदर कुछ नहीं है, और बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, और आप चाहें तो कोई पोल्यूशन नहीं है, साफ हवा है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इंतज़ाम काफ़ी है, स्पोर्ट्स वगैरह भी करा रहे हैं यहाँ पे, तो और भी लोग आए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सर। आपका नाम? नीलेश। जी आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। और सिंथन टॉप पे आप आए, और क्या मैसेज रहेगा आपका? बहुत मजा है, बहुत मजा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है, कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी ने हमको सारा रिस्पॉन्स दिया, सारी गाइडलाइन दी।